अमृता का चेहरा दिखा था, वो पक्का पक्का रिकॉर्ड हुआ होगा। ये कैमरा बंद क्यों है? माँ भैया कैमरा ऑफ है, अमृता का चेहरा दिख रहा है, जल्दी से रिकॉर्ड कीजिए। ये गुलाबी वाली, ये ब्लू दिखाना। भैया, माँ, ये लोग मेरी आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे? रितु, अमृता को देखकर तुम एकदम शॉक हो गई ना, उसे जिंदा देखकर तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं 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 मासी जी, कैसी बातें कर रही हैं? उसे जिंदा देखकर तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अमृता बहन है मेरी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी मासी जी? तो क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो या अपने ससुराल वालों के साथ? आपके साथ ही तो हूँ मासी जी, गोयल्स को तो मैं बर्बाद करना चाहती हूँ। गुड, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। थैंक यू। ये लीजिए आपके पैसे। चूड़िया बहुत सुंदर है। माँ, भैया क्या हुआ, कैमरा क्यों ऑफ कर लिया, खराब हो गया क्या? रुचिता, क्या हुआ माँ? ज्यादा होशियारी की तो रितु बचेगी नहीं। पर अमृता को पता कैसे चला? भाभी, कहीं उन्होंने भाभी के साथ कुछ कर दिया तो? उसी बात की तो टेंशन है रुचिता, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक आइडिया है। मॉम देखिए ना, मैंने कितनी प्यारी चूड़ियां ली, बहुत सारी शॉपिंग करी है आज मैंने। हाँ लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे दी, जीजू मूछों में बहुत क्यूट लग रहे थे। यो बड्डो ऑर्डर माने मिलियो से, और अंदर तो मैं ही जाऊंगा। क्या हो रहा है बाहर? और तू मारू पत्तो काटे को। आ आ आ आ आ आ, मानना पड़ेगा रितु, खेल खेलने में भी तुम लोग माहिर हो। लेकिन क्या है ना, रुचिता मेरे जितनी स्मार्ट नहीं है, इसीलिए हर बार हार जाती है। अब देखो, उसकी हार की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मासी जी, कैसी सजा? आपको यहाँ हमारे साथ रहना होगा, हमारी गारंटी बनकर, ताकि रुचिता हमारे प्लान में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर सके। होगा, मैंने तो अपने सारे सोर्स लगा दिए थे ताकि घर पर रेड ना पड़े, फिर किसने भेजा होगा पुलिस को? पुलिस ने तुम्हें देख लिया ना अमृता, तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, इन्हें जरूर रुचिता ने बुलाया होगा, कोई तो जुगाड़ करके। मॉम आप दी को जाने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो उन्हें रखने के चक्कर में हमारा पूरा प्लान फेल हो जाए। तुम अंदर जाओ, यहाँ का मैं देखती हूँ। हाँ
मासी जी प्लीज छोड़ दीजिए, मासी जी प्लीज छोड़ दीजिए, मासी जी आई एम सॉरी मासी जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मासी जी आई एम सॉरी। पापा जानती हूँ यहाँ पुलिस तो आ नहीं सकती, लेकिन उसकी आवाज से आपको डरा तो सकती ही थी मैं। छोड़िए भाभी को। अब इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि केस फास्ट ट्रैक हो चुका है, कल तुम्हारे पति की सुनवाई है। और ये जो तुम लोगों ने आज नाटक किया है ना, वही तुम लोगों की असलियत होगी। देखो तो।